एक भोलेनाथ का भजन, एक बड़ी प्यारी सी महाराज जो हम सबने बस सुनी है और उसको बहुत ही प्यारे शब्दों में पिरो के आपके लिए। एक बार हमारी पार्वती मैया बहुत ही प्यारी सज रही थी, सवर रही थी, इतनी प्यारी सज रही थी कि भोलेनाथ धुनी रमा रहे थे, उनका ध्यान भंग हो गया। भोलेनाथ पार्वती मैया के पास आए, पीछे खड़े होके बोले कि महारानी आज तो आप इतनी सुंदर लग रही हो, कहां जा रही हो? भोलेनाथ ने जब पूछा, गौरव मैया बोले क्या, बोले मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूं। भोलेनाथ ने दोबारा प्रश्न किया, बोले सहेली के घर जा रही हूं वो तो ठीक है, लेकिन इतना सुंदर श्रृंगार, इतना सुंदर श्रृंगार तो आपने अपनी शादी में भी नहीं किया, सच सच बता दो कहां जा रही हो? पार्वती मैया बोली कि रास में जा रही हूं, और जो इतनी पूछाताछी मेरे से हो रही है, क्या मैं आपसे पूछाताछी करती हूं? आप कहां भी जाओ। तो भोलेनाथ बोले गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, बस एक मेहरबानी कर, रास में मैं भी जाना चाहता हूं। अब गोरा मैया ने तो ये अपने सिर पे हाथ रखा, बोले प्रभु मुझे पता था आप यही बोलने वाले हो, तभी मैं आपको नहीं बता रही थी। बोले ले चलना, क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ही दिक्कत है प्रभु। बोले क्या दिक्कत है बेटा? बोले वहां पे रास में सिर्फ औरतें अलाउड है, पुरुष नहीं जा सकते। भोलेनाथ ने सुना, दो मिनट इधर से उधर घूमे, पुरुष नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बोले चल तो फिर मन्ने औरत ही बना, मन्ने औरत बना दे। अराओ क्या बोले कि महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी, मैं तो जाऊंगा कि महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। यूं बोले त्रिपुरारी, बात सुन ले मारी, ओ महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। बताओ किन कौन कौन जाना चाहते हो रास में, एक बार दोनों हाथ और आओ बड़े प्यार से इस भजन को सुनना। यू बोले त्रिपुरारी, बात सुन ले मारी, यू बोले त्रिपुरारी, बात सुन ले मारी, ओ महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। गौरा मैया बोली, गौरा मैया बोली नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, जो भोलेनाथ की पार्टी में दोनों हाथ। अब भोलेनाथ की पार्टी वाले जाना चाहते हैं, गौरा मैया की पार्टी वाली रोक रही है। 1 2 3 4
पकड़े जाओगे। बोले इसका भी उपाय है मेरे पास। बोली बोल पार्वती मैया पूछी, बोले क्या? ओ जटा जूट का बना दे चूड़ा, जटा जूट का बना दे चूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी ओ कुमारी। ओ हमारे हमारी गौरा मैया बोली, कैसे मैं मानू बात तुम्हारी, कैसे मैं मानू बात तुम्हारी, तुम हो बड़े अनाड़ी। क्या तुम हो बड़े अनाड़ी, अगर किसी ने देख लिया तो मोल खुलेगी सारी तो के बाद भोलेनाथ के सामने गौरा मैया ने हाथ जोड़े और बोला, आओ प्रभु। और अपने सारे मेकअप का सामान ले आई, लिपस्टिक, बिंदी, काजल, आईलाइनर, चुन्नी, लहंगा, और क्या होता है मुझे नहीं पता। और क्या बोली, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनरी माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के। एक बार सभी जितनी भी हमारी बहनें, एक बार अपने सिर पे पल्ला लीजिए। हमारे भाइयों के पास भी कुछ है क्या सिर पे पल्ला रखने के लिए? कुछ नहीं है। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, दोनों हाथ उठा के और ताली। भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघटा निकाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली। तैयार हो गए तो मेरी गौरा मैया बोली, प्रभु सच बता रही हूं, इतने अच्छे तो आप कभी पुरुष बन के नहीं लगे, इतने सुंदर। लेकिन प्रभु एक दिक्कत है, एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू ये माला, तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू ये माला, चंदा का उजियारा। और एक कर में डमरू सोहे, एक कर में डमरू सोहे, गले में है सांप काला, गले में है सांप काला। बड़े प्रभु एक आधी औरत को अगर वो सांप ने डस लिया तो मुसीबत। क्या? एक कर में डमरू सोहे, गले में है नाग काला, गले में है मुंड माला। बोले तो चिंता मत कर, इन सब को रखूंगा मैं, इन सब को रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के। सच बताना, जिसको जिसको आनंद आ रहा हो दोनों हाथ उठा के,
देखो ताली बजाने में संकोच मत करना, ताली ऐसी चीज है हर जगह मत बजाना, ताली ऐसी चीज है हर जगह मत बजाना। और जब कीर्तन हो मेरे ठाकुर का तो पूरा जोर, तो पूरा जोर, एक बार दोनों हाथ भोला बन जाओ भोली। देखो मेरी बहनों से एक सवाल है, मैंने चार बार सजना बोला, सजना 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 सजना, ओ सजना 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 सजना, और ये चार बार सजना का चार मतलब है, चार सजना के चार मतलब, कि मेरे सजना तुम ऐसे सजना, कितने हुए, कि मेरे सजना तुम ऐसे सजना, और सजना सज सज के ऐसे सजना, ऐसे कितने हुए, ब्रज में तुम्हें मिलेगा एक और सजना, कितना, तो उठाओ हाथ और ताली, सजना 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 सजना, ओ सजना 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 सजना। बोले क्या, मर्दानी आवाज बलम जी, मर्दानी आवाज बलम जी, कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी। बोले प्रभु आपकी जो आवाज है उसको औरत वाली आवाज कैसे करोगे। प्रभु ने बोला फिर तूने ऐसी बात बोल दी, तुरंत सरस्वती मैया को फोन लगाया, बोला माता थोड़ी देर के लिए आवाज चाहिए, आवाज भी मिल गई। अब गौरा मैया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा ये बोलने का कि प्रभु आप नहीं चल सकते, तो गौरा मैया ने कह दिया क्या, एक लहरीदार चुनरे माथे पे डाल के, एक लहरी फिर याद आया, बोले अरे 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 प्रभु, बोले आप आवाज भी छुपा लोगे लेकिन एक चीज है जो माँ के गर्भ से आती है वो कैसे छुपाओगे। बोले क्या, अब क्या रह गया, बोले हाँ रह गया ना, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी
छल से पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी जान से। आप चल सकते हैं हमारे जैसे कोई भी, लेकिन बोले ना तो चल ही सकते हैं ना। बोले सब हो जाएगा, अब तू चिंता मत करे, सब कर लूंगा मैं, तू बस अब चलने की तैयारी कर। बोला अपन जाओ बोली गरम या कह रही आओ प्रभु काजल का टिक्का लगा दो, सच्ची बहुत अच्छे लग रहे। भोलेनाथ बोलते तुम मजाक कर रही मेरे साथ, नहीं प्रभु बहुत सुंदर लग। अब दोनों चलने के लिए तैयार हो गए। बोले देखो प्रभु रास में तो जा रहे हो, लेकिन वहां पे कूदने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि नाचने लग जाओ वहां पे। तो प्रभु बोले कि रास में क्यों जा रहे हैं फिर हम जब नाचना नहीं। बोले प्रभु बोले वहां पे सब तो नाचेंगे, मैं क्यों नहीं नाच सकता। बोले प्रभु हम नाचेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप नाचेंगे तो धरती हक्की बक्की हो जाएगी। मैं क्या प्रभु आप गोरम या बोली प्रभु शांत रहना, साइड में जाके खड़े हो जाना। और अब रास में जब पहुंचे तो घूंघट पूरा सामने, अब दर्शन करे तो कैसे करे। तो अब मेरे ठाकुर मेरे भोलेनाथ एक आंख से ऐसे करके देख रहे हैं, कैसे ऐसे कुछ दिख जाए है ना। मेरे ठाकुर रास रचा रहे हैं एक बार दोनों हाथ के साथ कि मेरा कान्हा बड़ा अलबेला, मेरा कान्हा बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मैं चाहती हूँ एक बार रास के लिए सारी महिलाएं खड़ी हो जाएं, जो जो मेरे कान्हा की गोपियां बनना चाहती हैं सब खड़ी हो जाएं। जितनी है मेरा कान्हा बड़ा अलबेला, मेरा गोपी तो नहीं लग रही है। अब मेरा ठाकुर तो था ही मिजाजी, बोला चलो जरा जान पहचान तो बढ़ाई जाए। मेरा ठाकुर जा पहुंचा भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ के पास पहुंच के बोला गोपी कौन से गांव से आई है। गोपी तो कुछ बोल ही नहीं, पार्वती भैया ने बोला अब तो हो गया काम। बोला गोपी रास में पहले नहीं दिखी, कहां से आई है बताना। गोपी तो बोले ही नहीं। अब मेरे ठाकुर ने अपना दिमाग चलाया, 1 2 3 4 देख के भोले बाबा को तब बोले
सब आई बिन घुंघटे के, सब आई बिन घुंघटे के, जो घुंघट में क्यों आई, सब आई बिन घूंघट के, यो घूंघट में क्यों आई, तो पकड़ी जाके कलाई, कलाई पकड़ ली भोलेनाथ की, और तभी समझ गए नब्ज पकड़ी और समझ गए ये कौन है, और बोले कि ठीक है गोपी, पाले पड़ी है गोपी आज नंदलाल के, पाले पड़ी है गोपी आज नंदलाल के। एक बार दोनों हाथ खड़े करना, ये अनमोल मिलन है, अनमोल मिलन है, और ताली के साथ भोलापन जाओ बोली घुमटानी काल के, भोलापन जाओ बोली घुमटानी काल के, एक लहरी तार छूने माथे पे डाल के, एक लहरी तार छूने माथे पे डाल के, भोलापन जाओ बोली घुमटानी काल के, भोलापन जाओ बोली घुमटानी काल के। किसको किसको आनंद आ रहा है, एक बार दोनों हाथ खड़े कर दो, ठीक है, आओ ताड़ी, वन टू थ्री फोर। ठाकुर बोले, अच्छा तो गोपी तू नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी के? घोरा मैया पीछे से इशारे करे, चुप चुप, बोले ना तो बोलने तो बोले कैसे, आज भी औरतों की ज्यादा चलती है भाई साहब, हंस रहे हो, आप क्या आपके लुगाई के सामने चलती है क्या, किसी की नहीं चलती। तो भोलेनाथ को देखा, समझ तो चुके थे, और मेरे कान्हा जी ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई कि मेरे भोलेनाथ तो फिर सुध बुद्धि खो बैठे, क्या बोला गोरा ने पता नहीं। अब जैसे ही बंसी बजी भोलेनाथ लगे तांडव करने, और भोलेनाथ जब तांडव करने लगे उलट दिया जब पटनट खदने, भोलेनाथ तांडव करने लगे ये चुनरी सर की, ये पार्वती मैया ने सर पे हाथ रखा, बोला ए नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, उलट दिया जब पटनट खटने, भोले है मुस्काए, भोले है मुस्काए। और सारा भजन आपने सुन लिया, ये बताओ कि उस रास के बाद मेरे भोलेनाथ का नाम क्या रखा गया। उसी रोज से भोले बाबा, उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। और जिसको जिसको ये रास अच्छी लगी दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ, क्या बात है। बोले हैं पियल के उन, गीते हैं पियल के उन, बोल जवाहर लाल के, भोला बन जाओ बोली घुमटानी लाल के, भोला बन जाओ बोली घुमटानी लाल के, लहरी तार छूने माथे पे डाल के, लहरी तार छूने माथे पे डाल के, भोला बन जाओ बोली घुमटानी लाल के, भोला बन जाओ बोली घुमटानी लाल के, लहरी तार छूने माथे पे डाल के, शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना।
क्यों करते नहीं अपनों के संग यूं करते नहीं।